हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मे बी प्लस एबल टू का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम मे बी प्लस एबल टू का कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इस लेसन की शुरुआत करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आप सभी के क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक दिन में एक वीडियो ही अपलोड कर पाता हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक मैंने आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो नहीं बनाया है तो आप थोड़ा इंतजार करें। फ्रेंड्स, मे बी प्लस एबल टू का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई संभावना करते हुए, यानी कोई पॉसिबिलिटी करते हुए ये कहें कि कोई एक नाउन किसी चीज की काबिल हो सकता है। हम इस तरह के सेंटेंसेस में ये बताते हैं कि कोई एक नाउन किसी काम के लिए काबिल हो सकता है, लायक हो सकता है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी भी होती है कि हो सकता है कि ना हो, यानी मैं श्योर नहीं हूं कि हो, अगर वो कोशिश करे तो वो हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं आप अंग्रेजी बोलने के काबिल हो सकते हैं या आप अंग्रेजी बोलने के लायक हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस से मुझे पता चला कि कोई इंसान किसी चीज के लिए काबिल हो सकता है नहीं भी, यानी बात पॉसिबिलिटी की है, बात संभावना की है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि इसे कैसे बोलना है। आप अंग्रेजी बोलने के काबिल हो सकते हैं, यू मे बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप पैसा कमाने के काबिल हो सकते हैं, यू मे बी एबल टू अर्न मनी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के काबिल हो सकते हैं तो आप कहेंगे यू मे बी एबल टू टीच मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहनी हो आप सरकारी नौकरी पाने के काबिल हो सकते हैं तो आप कहेंगे यू मे बी एबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब। फ्रेंड्स, अगर आपको कहनी हो आप महान बनने के लायक हो सकते हैं या आप महान बनने के काबिल हो सकते हैं तो आप कहेंगे यू मे बी एबल टू बी अ ग्रेट मैन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ रही है कि जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई एक इंसान किसी के लिए काबिल हो सकता है या कोई एक इंसान किसी चीज के लायक हो सकता है, तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप मे बी प्लस एबल टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन शानदार तरीके से समझ में आया तो प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, तौकीर आलम मे बी एबल टू बी अ ग्रेट टीचर। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक दिलचस्प लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।